पता चला है कि यहाँ पर अभी इस्लामाबाद में कार ऑक्शन हो रहा है, कस्टम ऑक्शन हो रहा है। तो अब कस्टम ऑक्शन में क्या होता है, बेसिकली जो कस्टम वाले सारी एनसीपी गाड़ियाँ जब्त करते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं, उनको फिर बाद में ऑक्शन कर देते हैं। तो अभी आज इंस्पेक्शन हो रही है गाड़ियों की और कल ऑक्शन होगा। तो आई एम प्लानिंग कि ये एक टू पार्ट सीरीज बनाए इसकी, या वन पार्ट जो भी होगा, ठीक है। और फिर आज हम जाके इधर देखेंगे कि जी इसमें क्या गाड़ियों की इंस्पेक्शन करेंगे, और कल जाके हम ऑक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं आजकल। तो ऑक्शन पे अब पर्पज़ इज कि हम इस ऑक्शन में जाके, आज तो खैर इंस्पेक्शन होगी, आज हम गाड़ियाँ देखेंगे कौन कौन सी हैं, और मतलब फील्स अस ट्राई टू लर्न कि कार ऑक्शन में होता क्या है, और मतलब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और ये बहुत ही एक नीच मार्केट के लोग जाते हैं कार ऑक्शन पर। तो इस वजह से हम जाके देखेंगे कि कार ऑक्शन में होता क्या है। और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं ग्लोरी 580। अच्छा, इस गाड़ी का एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ जो कि काफ़ियों को नहीं पता होगी। ये जो गाड़ी है ना, जब नई नहीं आई थी, ठीक है, तो मतलब वी हैव वन ऑफ द फर्स्ट ग्लोरीज ऑफ पाकिस्तान। तो जब ये नई नहीं आई थी ना, तो फिर CBU यूनिट्स जो थे ना, वो आधे चाइना से आए थे और आधे इंडोनेशिया से आए थे। तो जो इंडोनेशिया से आए थे ना, वो तो फिट थे, जो चाइना से आए थे, ठीक है, उनके गियर में थोड़े बहुत जर्क्स आ रहे थे। ये चाइना से आई थी गाड़ी। इसमें कभी हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई किसी तरह के भी जर्क्स आ रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, मगर कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत नोटिस किया था। तो तब कंपनी भी छोटी थी, गाड़ियाँ भी इतनी सी थी, लोगों ने जो ओनर्स थे इनके, उन्होंने जाके DFSK को रीच आउट किया कि जी मतलब हमारी गाड़ियाँ थोड़े स्पेशली हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा जर्क कर रही हैं। तो DFSK ने अग्री किया था कि 30 गाड़ियों को वो रिकॉल करेंगे पाकिस्तान में जो चाइना से आई थी, और उनके गेयर बॉक्सेस चेंज करेंगे। अब वो प्रोसेस इतना, अब ये बात मतलब पता नहीं है कि ये बात मतलब मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मेरी गाड़ी उसमें फॉल करती थी। और फिर हमने भी कहा कि मतलब हमारी गाड़ी में कोई मसला नहीं था, मगर हमने कहा चलो हो रहा है तो कर लेते हैं, रिकॉल हो रही हैं गाड़ियां, कंपनी चेंज करके दे रही है। तो उसके बाद खैर अभी इट्स बिन लाइक 2 ईयर्स जब से ये हो रहा है, और अभी तक हार्डली 5 गाड़ियां भी नहीं हुई होंगी इनसे। और जब पहली गाड़ी गई थी ना गेयर बॉक्स चेंज कराने, और जब वो वापस आई तो इतनी पुअर वर्कमैनशिप थी, उन्होंने गेयर बॉक्स तो चेंज कर दिया, मगर उस गेयर बॉक्स को चेंज करने के बाद उस गाड़ी के अंदर स्क्रैचेस, बाहर स्क्रैचेस, बोनट खोल के जो वापस लगाए तो नट नहीं लगाए हुए उन्होंने, यहाँ पर जो बटन होते हैं आपके सेंटर कंसोल में, ये उल्टे लगाए हैं, मतलब ये यहाँ से निकाला और ये उल्टा लगा दिए, और ये जो गियर के इधर ये लेदर की कवरिंग है ये फटी हुई है। तो इतनी पुअर वर्कमैनशिप उन लोगों ने दिखाई। तो वो देख के मैंने तो कहा यार मतलब माशाल्लाह मेरी गाड़ी तो फिट चल रही है, इसका गेयर बॉक्स नहीं चेंज कराना। मगर फिर खैर बाद में जो जिन लोगों का इशू आ रहा था, उन्होंने फिर भी दी गाड़ियाँ अपनी कराने में, और उनके इसी तरह बड़े वेरी बैड वर्कमैनशिप। तो और अभी तक चल रहा है उनका। तो दिस इज़ अ फन फैक्ट अबाउट ग्लोरी 580 जो अभी हम चला रहे हैं। उस गाड़ी की फ्यूल एवरेज बुरी है, मगर बाकी गाड़ी इट्स वेरी गुड। तो अभी हम ऑक्शन पे मिलते हैं। अच्छा, ये हम पहुंच गए हैं ऑक्शन वाली जगह पे। इधर वैसे अंदर गाड़ियाँ होती हैं, ये बाहर एक A6 और रेंज रोवर स्पोर्ट खड़ी है। आई डोंट नो कि ये ऑक्शन वाली है या नहीं, मिट्टी शिटी पड़ी है इन पर। और उस साइड पे अंदर हमारे पास गाड़ियाँ होनी चाहिए। अब स्कीम ये है कि एक तो ये सड़क बहुत गंदी है, इसका एक्सेस बहुत गंदा है, और स्कीम ये है कि उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है जी। उनको ओहो क्या हो गया, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन वगैरह लेने की कोशिश करेंगे गाड़ियों के ऊपर, और ऑब्वियसली इफ दे फाइंड आउट के वी आर नॉट हेयर टू पार्टिसिपेट इन दी ऑप्शन, तो फिर शायद वो इतनी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन ना दें। और मतलब मैं कभी इधर गया नहीं हूँ, तो फिर इसलिए आई डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद देम। तो जाके देखते हैं कि क्या सीन है, मुझे पार्किंग मिलते हैं मुझे। राइट,
तो इधर हम आए हैं ऑक्शन की तरफ, जिधर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो वील जस्ट लुक एट अ फ्यू। ये वाली अवेलेबल है। अच्छा, जिस गाड़ी के ऊपर भी स्टिकर लगा है ना, ये वाली अवेलेबल है। तो जिस तरह इस पे 29 लिखा हुआ है, और ये जो रैंगलर है इसके ऊपर नहीं लिखा, ये नहीं अवेलेबल। फिर गाड़ियाँ सारी लॉक हैं, कोई है नहीं इधर अवेलेबल, मगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इधर, और सबकी हालत है ना बहुत ख़राब है। तो यू शुड गेट देम फॉर यू बेटर गेट देम फॉर अ लोअर प्राइस दैन द मार्केट, क्योंकि इसके बाद बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। ये अच्छी गाड़ी है, हमारे पास होती थी एक ज़माने में। ये जिसमें अवेलेबल नहीं है, ये बुलेट प्रूफ लग रही है। हाँ, बुलेट प्रूफ है। बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी। वो देखो, वो जो कैडी का सर ऊपर, हाँ, इन्होंने ये अवेलेबल है। ये कौन सी है? इंडस 27 नंबर लॉट। हाय हाय, नहीं चाहिए ट्रक, मगर ये नहीं ऑक्शन हो रहा। ये मुझे सही कंडीशन में लग रही है, सिटी में लग रही है, अवेलेबल नहीं है। और इस तरह की लैंड क्रूजर हैं बहुत हैं इधर, मगर किसी के ऊपर ना मैंने स्टिकर नहीं देखा। ये स्विफ्ट अवेलेबल है, ये जापनी स्विफ्ट है। ये किसी ने NCP जब्त की होगी और इधर लगा दी होगी। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अच्छी गाड़ी है, मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, ये क्राउन नॉट अवेलेबल, ये प्राडो नॉट अवेलेबल, प्राडो नॉट अवेलेबल, पासो नॉट अवेलेबल। तो एज सच गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इधर, खड़ी बहुत ज़्यादा है मगर कोई लगी नहीं हुई है। ये लगी है ना, ये सारी, ये है। ओ, ये A4 है, ये चुके ना ले जाए। अच्छा, मगर ये तो नहीं है अवेलेबल। ये पता नहीं क्या कब की पड़ी होगी, इसको निकाल ही दें, इन गाड़ियों को नहीं निकाल रहे। वैसे ये बड़ी गंदी क्वालिटी का है, डिडंट एक्सपेक्ट दिस। अच्छा, ये प्रीमियम, ये देखो इसके ऊपर ना ग्रीन नंबर लगा हुआ है, मैं बताऊँ क्यों? और फिर भी ये कस्टम ऑप्शंस में है, क्योंकि जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादातर NCP होती हैं। इनके ऊपर अपने ग्रीन नंबर लगा के ये लोग चला रहे होते हैं, जबकि होती है NCP है। फिर जब इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, कस्टम ऑप्शन कर देते हैं। तो जो भी आपको जापानी गाड़ी नज़र आए ना सरकारी, वो NCP होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप को क्यों टैक्स दे, गवर्नमेंट थोड़ा अपने आप को टैक्स देती है। ये मुझे अच्छी लग रही है। फील्डर कौन सा मॉडल ईयर है? लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, मगर इसकी अंदर सेट कंडीशन भी अच्छी है, काफ़ी नाइस, वेरी गुड। मगर ये इधर आओ ना, ये देखो, टायर अंदर गया हुआ इसके, खड़ी ऐसे की है, डिगी अंदर हो गई है इसकी, जबकि गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी कंडीशन में। अच्छा, ये जो S-क्लास खड़ी है ना, ये 7 मॉडल है, और ये है अवेलेबल ऑक्शन के लिए। कंडीशन इज़ फाइन, एयर सस्पेंशन थोड़ी फेल हुई है इसकी, बहुत महंगा काम होगा, मगर इस गाड़ी की चाबी नहीं है। तो और ये कोई कह रहा था कि 7-8 लाख की चाबी आती है, तो जो भी इसको लेगा वो चाबी बनवाएगा साथ में। इसकी ग्रिल भी टूटी हुई है यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ से पार्क कार करते हुए जाएंगे हम क्राउन के ऊपर से। ये क्राउन नहीं अवेलेबल फॉर सेल, मगर इसकी भी कंडीशन सही लग रही है, मतलब बाय सही आई मीन कि नॉट वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं ना सारी पड़े पड़े वो हुई हुई हैं, विदर आउट हुई हुई हैं, मगर सही का मतलब यह है कि एटलीस्ट चलाने के काबिल हों, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ ना बहुत ख़राब हालतों में पड़ी हुई हैं। ओह, ये देखो, ये अच्छी है, ये है। यहाँ 5 सीरीज़ भी बहुत खड़ी हैं, पीछे एक खड़ी थी उसका यहाँ से साइड से सारा टूटा हुआ था। अच्छा, ये नहीं अवेलेबल, ये सही लग रही है इसके। देखो टायरों में भी हवा है, बाकी जो है उनके टायरों में हवा नहीं है, ये अंदर से भी ठीक लग रही है, मगर ये है नहीं। या की क्लास खड़ी हुई है, ये भी नहीं होगी, और इसके भी टायरों में हवा है, बस जिस गाड़ी के टायरों में हवा है ना वो नहीं अवेलेबल, ये समझ जाओ। हैरियर खड़ी है, मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी, मगर ये वैसे गाड़ियों की वैसे मार्केट बहुत ऊपर गई है, ये भी बहुत ऊपर चली गई है। इसके भी देखो टायरों में हवा है,
ये सेल नहीं है, ये फॉर सेल अवेलेबल नहीं है, ये मैं थ्योरी अभी प्रूव करता हूँ। इसके भी टायरों में हवा, ये नहीं अवेलेबल है। अच्छा जी, इधर आए हम तो ये देखो, इसका टायर फ्लैट है, इसका भी टायर फ्लैट है, और ये दोनों ऑक्शन पे लगी हैं, तो मेरी थ्योरी ठीक थी। आए हाय, ये देखो ये रिबॉन। अच्छा, वो जो फील्डर दिखाई थी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी, पीछे टायर में मार दी थी। ये मार्क एक्स भी सही कंडीशन में, पीछे रिवर्स करके इसमें मार दी है। मतलब ये गाड़ियाँ खड़ी कैसे की हैं इन लोगों ने। LX570 ये है अवेलेबल, ये आई डोंट थिंक ये वाली होगी अवेलेबल। इसका टायर तो फ्लैट है, फ्लैट है कि नहीं, ये हवा लग रही है तो शायद ना हो अवेलेबल। हाँ, इसके टायर में हवा है, नहीं अवेलेबल। क्या लिखा है, 16 मॉडल, लेक्सस जीप, लेक्सस जीप, ओके, दिस इज लेक्सस एंड जीप। अच्छा, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, फासो इस वे। अच्छा, मैं यहाँ से निकलूँगा कैसे अब, इतनी चिपका चिपका के खड़ी की। ये एक 7 सीरीज़ खड़ी है, इस दिस इसके ऊपर नंबर नहीं लिखा, मगर ये लिखा है कि कतर एम्बेसी की। इसी तरह की ना 7 सीरीज़ और भी एक दो और भी देखी हैं, वो भी कतर एम्बेसी की हैं। इसका बहुत बुरा हाल हुआ है, मगर इसकी लाइटें बहुत ठीक हैं, लाइटें महंगी बिकती हैं, वो बंदा यहाँ से उठा के नहीं लेके जानी चाहिए। अच्छा, अब वो एक 350 खड़ी है, मगर उसकी ना छत का बड़ा मसला है। वो छत ठीक कहाँ से होगी, मसला ये है सारा। अब ये आप ले लो, और ठीक है, इसकी एक तो मार्केट आजकल बहुत ऊपर गई है, लोग 70-80 मांग रहे हैं इस गाड़ी को। अब 70-80, चलो ये अगर आपको जितने की भी मिलती है, मगर मुझे बस ये कंसर्न है कि इसकी छत कहाँ से ठीक कराएंगे, और मतलब हो जाएगी मगर अब कहाँ से ठीक कराएंगे। और आई गेस हमने वैसे कवर कर ही लिया मोस्टली, अब हम उधर चलते हैं। अच्छा, ये हम बिल्कुल कोने में आ गए, कोई रैंडम इंजन पड़ा हुआ, और वो इंजन के ऊपर डाइस है एक, नहीं ये डाइस नहीं है, ढांचे पड़े हुए गाड़ी, आई डोंट नो, इनको लोहे के दामों पे ही बेचते हैं ज़रा। ये देखो पुरानी एस क्लास खड़ी है, ये नहीं अवेलेबल, ये रिबॉर्न अवेलेबल है फॉर सेल, ये ओरियल, ये सेमी ओरियल है, ये ओरियल नहीं है क्योंकि ये देखो इस पर सनरूफ। मगर ये है अवेलेबल फॉर ऑक्शन, इसकी सीटों पे इन्होंने वो प्लास्टिक भी चढ़ाया हुआ है। इन लोगों ने ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रखी हैं, ठीक है, मगर ना कोई बंदा अवेलेबल है जो खोल के दिखाए, क्योंकि टेक्निकली आज इंस्पेक्शन डे है, तो इंस्पेक्शन कराने के लिए कोई नहीं, मतलब आप बस आके बाहर बाहर से ही देखो, और बाहर बाहर से मतलब देख के, मतलब लुक एट दिस, टूटा हुआ सब कुछ, और जो गाड़ी अच्छी कंडीशन में है वो मतलब फॉर सेल नहीं है, आप मतलब बाहर बाहर से देखो और फिर उस हिसाब से फिर आप अपनी बोली लगाओगे। और ना इन्होंने स्टार्टिंग बिड्स रखी हैं, इसका टायर देखो कितना ज़्यादा, ये तो ज़मीन के अंदर ही चला जाएगा, तो कोई इन्होंने रिज़र्व नहीं बताया कि इनके कितने हैं, कोई इन्होंने बंदा नहीं है जो गाड़ियां खोल के दिखा दे कि सारी गाड़ियां बंद हैं और इतनी खड़ी हुई है। मतलब तो अगर आप ऑक्शन करना चाहते हो तो ये है कि वो, ये देखो एसी चाहिए, आ रही है हवा, एसी किधर है इसका, ओ एसी है ही नहीं इसमें। सो ये एक A5 है कन्वर्टेबल, और ये मतलब बहुत लोगों की अटेंशन मांग रही है क्योंकि अच्छी गाड़ी है। अच्छा, ये ना पहले भी अवेलेबल थी फॉर ऑक्शन, मगर ये ऑक्शन हुई नहीं, और फिर ना मैंने थोड़ा फेसबुक पे इसके कमेंट वगैरह देखे, तो फिर टर्न आउट कि ये वो एक बंदे ने कहा था कि ये मेरी गाड़ी है और ये लीगल है, ये कोई ही कस्टम वालों ने जब्त की हुई और ये वो, तो अभी मैं उनसे लीगल बैटल लड़ रहा हूँ फलाना फलाना, तो शायद कस्टम वाले लीगल बैटल जीत गए होंगे क्योंकि अभी कल ये ऑक्शन हो रही है जाके, पता नहीं कब कितने की जाती है, मगर ये बहुत पुरानी बहुत पहले की खड़ी है ये, मतलब ये एटलीस्ट मुझे इतना तो पता है कि ये कोई 6-7 महीने की तो खड़ी है, कम अज़ कम उससे भी ज़्यादा की हो सकती है। वो एक क्रॉस रोड भी खड़ी है 37 नंबर की, ये अच्छी है। ये क्या लिखा है, इन मेमरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय कोलम्बस। अच्छा, मैं समझा कि सरकारी इदारे का स्टैम्प हो गई है, अभी इन्होंने लगाया हुआ। ये ट्रक भी है, नाइस। अच्छा, तो खैर गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा हैं अगेन, मगर लॉक्ड हैं। वो एक लाल रंग का दरवाज़ा पड़ा है अगर चाहिए किसी को, मगर लॉक्ड हैं, तो अभी कल आके हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे। ओ ये नंबर 1 है, ये देखो
मगर इस गाड़ी की हालत देखो, ये देखो टायर फ्लैट, साइड सील निकली हुई है उसकी, और अब पता नहीं कितने की जाएगी, कल आके देखेंगे, कल पता चलेगा। अच्छा तो आई गेस के दैट्स द एंड ऑफ एपिसोड वन। हमने गाड़ियों की इंस्पेक्शन की है और अब हम कल आएंगे। ऑक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, मगर हम देखेंगे कि ये जो सारी गाड़ियां हमने आज इंस्पेक्ट की हैं ये कितने की जाती हैं। बाय बाय।